बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप ठीक होंगे, अपना ख्याल भी रखते होंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम काम करने जा रहे हैं मैथ्स का। सो ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन योर मैथ्स बुक एंड कम टू पेज नंबर 9। डिड यू ओपन योर बुक्स? ओके, नाउ टेक योर पेंसिल्स एज वेल। पेंसिल्स भी आपकी आ गई। अब आप हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, जो फर्स्ट है आपका, राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम। ठीक है, राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम। आपने क्या करना है, 1, 10, 100 ऐसे लिखना है। ठीक है, 2,366। 2,000 मीन्स के इसको 1,000 की लाइन में क्या चला जाएगा, 2, 300 वाली लाइन में चला जाएगा 3, एंड 60 चला जाएगा टेंस की लाइन में 6, और 6 आ जाएगा वंस में। इसी तरह नेक्स्ट मैं एक और कर देती हूँ आपको, 5,000 TH 1000 में चला जाएगा 5, 600 चला जाएगा 100 में, एंड 4 मीन्स कि इसमें टेंस में कुछ नहीं आया तो 0 लगा 10 की जगह, एंड 4। आई होप कि आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे हम 60 या 20 में कुछ नहीं आया तो 10 में कुछ नहीं तो हम 0 लगा देते हैं। मीटर वाले आप खुद से करना। नीचे देखें, आर एन आई जी में 8,009, 8 चला गया 1000 में। ठीक है, 100 में भी कुछ नहीं है, टेंस में कुछ नहीं है, एंड वंस में सिर्फ 9। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन लास्ट वाला मैं करवा देती हूँ, 3,442 ये सारे ही हैं। 3 चला जाएगा 1000 में, 4 चला जाएगा 100 में, और 40 चला जाएगा टेंस में, 2 चला जाएगा वंस में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने कैसे 1, 10, 100 and 1000 में इनको लिखना है। नीचे वही जूनियर 10, 100 में लिखा हुआ, आपने इनको इनके वर्ड्स में लिखना है। देखें, पहले हम इसके स्टार्ट पे लिख ले देते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। मींस के वन क्या बन रहा है, 1000 बन रहा है, तो हम बोलेंगे 1000, 500, 8 tens, 9 ones। इसी तरह यहाँ पे देखें, उन्होंने क्या लिखे, 2000, 0 hundreds, 0 tens एंड 8 ones। एक मैं भी कर देती हूँ आपको, 5 हो जाएगा आपका थाउजेंड्स, THOUSAND, 5000 बन जाएगा। 6 आपका बन जाएगा हंड्रेड्स में, HUNDREENDS, 6 बन गया हंड्रेड्स। 9 बन गया आपके टेंस, 0 बन गया आपका 0 ones। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने ये कैसे, पहले था आपका वर्ड्स में लिखा, आपने उसको डिजिट्स में कर दिया, इधर आपके डिजिट्स या नंबर्स में, इसको आपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये बहुत इजी था, 2 आपके बुक वाले डन थी, एक मैंने भी आपको करवा दी, बाकी आपने खुद से करनी है। नीचे एक चैलेंज है, आप मोस्टली काउंटिंग हम करते हैं नोटबुक पे और बुक पे करते हैं, ऐसे गा लेते हैं, जब हैंड पे काउंटिंग कर वो और इजी लगता है। तो आज हम हैंड पे यूनिट एंड हंड्रेड करने जा रहे हैं। वंस फिंगर्स कौन सी होंगी आपकी, देखें, उसके बाद टेंस, बुक्स एट होम, हंड्रेड्स, टाइल्स ऑन द फ्लोर, थाउजेंड्स, फ्लावर्स इन अ फील्ड। देखें वंस फिंगर्स, फिंगर्स कैसी आएंगी, फिंगर्स कितनी होती हैं, वंस फिंगर्स वो लिखनी है। टेंस, बुक्स एट होम, हंड्रेड्स, टाइल्स ऑन द फ्लोर, ठीक है, थाउजेंड्स, फ्लावर्स इन अ फील्ड। तो ये कैसे आप इसको इसमें हैंड में करेंगे, वंस फिंगर है ना, 1, 2, 3, 4 मीन्स के 4 फिंगर्स होगी। बुक्स एट होम टेंस हैं, तो इस तरह इनको आप 2 tens कर लें, 2, 22 ऐसे बन जाएंगी। टाइल्स ऑन फ्लोर, किसी को पता ही नहीं, हंड्रेड्स में, तो 99 भी कर लें आप। इस तरह फील्ड का भी ऐसे ही करेंगे। तो ये आपका होम टास्क होगा कि आपने ये और ये इसको अच्छे से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।